हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम क्वाड्रेचर का ये एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एरिया ऑफ कर्व बाई पोलर इक्वेशन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एरिया को फाइंड आउट करने के दो तीन तरीके देखे थे। किसी भी एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया अंडर ए कर्व, पहले पार्ट फर्स्ट में ये देखा था। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा था एरिया ऑफ कर्व का ही फाइंड आउट करना था हमें विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर इक्वेशन। ये हमारा इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हम एरिया ऑफ ही कर्व पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पोलर इक्वेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको पोलर और पैरामेट्रिक के बारे में मैंने कई चैप्टरों में काफी हद तक डिस्कशन, काफी डिटेल डिस्कशन किया है। इस पे बहुत सारी बातें हमने की हैं। मल्टी वेरिएबल का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पे तो काफी हद तक बहुत सारे टॉपिक्स में इसका यूज किया है। डबल इंटीग्रेशन में यूज किया है, एरिया निकालते वक्त कई जगह और भी, पोलर और कार्टेशियन में कन्वर्जन, तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें काफी बेसिक चीजें पढ़ाई थी। तो सारी चीजें अगर आप वॉच कर लेंगे तो पोलर के बारे में तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है। ठीक है, आइए देखते हैं कि पोलर इक्वेशन की हेल्प से हम किसी एरिया का, जो किसी भी कर्व का एरिया निकालना होता है, पोलर इक्वेशन की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जैसा कि मेरा टॉपिक है एरिया ऑफ एनी कर्व विद द हेल्प ऑफ पोलर इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में ये, देखो हमने आपको बता दिया था कि सिंपल सी एक फंडामेंटल है, कोई भी कर्व होता है, पहले बात ये तो जान लो कर्व क्या होता है। कर्व का मतलब ये होता है, देखो कोई भी कर्व का मतलब होता है, आप लोग के दिमाग में चीज रहती है कर्व का मतलब एक टेढ़ी मेढ़ी कोई आकृति है, इसको कर्व बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कर्व का मतलब होता है अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करो विदाउट पेंसिल को उठाए, अगर आप कहीं पे भी घूम लो, कहीं पे भी चले जाओ, ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर ये सब, ये सब क्या है, ये क्या है आपका कर्व है। हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन खींच दिया, बहुत से लोगों को ये अब ये डाउट रहेगा, सर ये स्ट्रेट लाइन ही तो कर्व है नहीं, क्योंकि ये तो घुमा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये भी कर्व ही है आपका। तो ये सब चीजें अपने आप दिमाग में रखिए। कर्व का एक्चुअल में डेफिनेशन, जो बेसिक बात होती है, कर्व का मतलब होता है विदाउट पेंसिल को उठाए आप जो भी शेप बना दो, जो भी फिगर मेंटेन कर दो, बना दो, वो सब के सब क्या है, जी हाँ कर्व है। ठीक है, तो ये बेसिक बात जानते रहिए। इस टॉपिक को पढ़ाने वक्त मेरे दिमाग में चीज आ गया तो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। देखो मैंने चीजें लिख दी हैं, लिख इसलिए दिया क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लॉस होगा। इसमें एक फंक्शन मान लेते हैं, कोई थीटा, एफ ऑफ थीटा मान लेते हैं, जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है, वही कर्व हो जिसमें कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो, कहीं ब्रेक ना हुआ हो। ठीक है, ठीक। और इसमें जो थीटा है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ ग्राफ प्लॉट करके, सारी चीजें मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको रिप्रेजेंट करूंगा और समझाऊंगा अच्छे से। अगर कोई उसमें वैल्यू थीटा है, थीटा से हम डिसाइड करेंगे लिमिट। थीटा इसलिए ले रहे हैं कि इससे हम लिमिट डिसाइड कर पाएंगे। डोमेन क्या है, जी हाँ डोमेन जो है आपको, डोमेन का मतलब ही होता है लिमिट। डोमेन हमें बताता है इसकी लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डोमेन का मतलब तो यही होता है। और एरिया ऑफ कर्व बाउंडेड बाई रीजन एफ ऑफ थीटा, जो भी, हाँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, जो वेक्टर रेडियाई वगैरह है, जो थीटा की वैल्यू होती है उसको वेक्टर रेडियाई बोलते हैं। कैसे वेरी करता है मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखो इसके लिए मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूँ, कार्टेशियन प्लेन, ऐसा करके, ऐसा कर लिया। ठीक, इसमें एक कर्व मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये कैसा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू, कैसा भी आप खींच सकते हैं। ये ऐसा कर लिया, ठीक, ये ऐसा कर्व मैंने ड्रॉ कर लिया। एक कर्व जब ऐसा ड्रॉ कर लिया, जिसमें ध्यान से देखो, इस कर्व में इसमें दो चीजें दे रखी हैं, थीटा की वैल्यू अल्फा, ये क्या है आपकी इनिशियल लाइन है, इसको आप इनिशियल लाइन कहते हो, इसको इनिशियल लाइन कहते हो। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब पढ़ा होगा तो आपको ही पता होगा। ठीक है, तो ये इनिशियल लाइन आपकी है, तो इनिशियल पॉइंट से, ये बेस वाले पॉइंट से इसकी यहां तक की वैल्यू थीटा है, अल्फा है। ठीक है, और बीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्या है मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं अगर थोड़ा सा, इसको अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करूँ, ये कुछ ऐसा, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन, फिर एक ऐसा, ये इस बननी चाहिए, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन, ये ऐसे मैं ड्रॉ करता जाऊँ, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, अगर इन पॉइंट को अगर मैच करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा जाएगा। आपको ये सर्कुलर शेप लग रहा है, लग रहा है। हमने मान लिया यहाँ तक का जो एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, हमने इसको बीटा मान लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, बेहद आसान चीज है। ठीक है, अगर मैं किसी एक सेक्टर को लूंगा, सेक्टर की बात अगर आती है तो मैं आपको इस सेक्टर के बारे में एक चीज और बता देता हूँ। सेक्टर की अगर बात आ रही है, एक मिनट पहले इसी को समझ लेते हैं।
अगर इसमें कोई एक छोटा सेक्टर मान लो इसी को सबसे ऊपर वाले को ले लिया, ठीक है, इसका एंगल तो आपको देखने से दिख भी नहीं रहा होगा, तो मैंने इसका एंगल डी थीटा ले लिया। आप डी थीटा वहां पे लेते हैं जब जहां वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है, वहां पे हम डी थीटा लेते हैं। और ये जो एक्चुअल में ये हमारा ये कर्व था आर इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा, जो मैं आपको डिस्कस भी कर चुका हूँ, ये चीज कंफर्म है। अब ध्यान से देखो, अगर सेक्टर निकालोगे तो सेक्टर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, एक पार्ट अगर निकालोगे तो कुछ, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर सेक्टर की बात आती है तो सेक्टर की बात की अगर बात करोगे तो मैंने कहा एक सर्कल है, एक सर्कल है। अगर सेक्टर की अगर बात करोगे तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा जिससे आपको चीजें समझ में आए। ये मान लो एक सेक्टर है, इस पूरे सर्कल का एक सेक्टर है जिसका एंगल हमने मान लो थीटा ले लिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा बीटा गामा जो भी लेना हो ले सकते, कोई दिक्कत की बात, समझने की बात सुनो। अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, क्लास 10th लेवल में आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, फिर भी मैं इसको रिवाइज कर, तो इसका जब आपको एरिया फाइंड आउट करना होता, सिर्फ इस वाले रीजन का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना होता था तो आप क्या करते थे, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे आप, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल के एरिया में कितना पार्ट पकड़ना है हमें, ये थीटा वाला पकड़ना है। थीटा वाला कितने में से, 360, क्योंकि पूरा जो एंगल बनता है इस पूरे एंगल में अगर बात करो, घुमा दिया जाए पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 डिग्री में कितना लेना है, थीटा लेना है, तो थीटा लेना है तो ठीक है थीटा ले लीजिए। कितने में, 360 डिग्री को मतलब 2 पाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका एरिया आ गया, ये इसका एरिया आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई पाई बाई 2, पाई बाई कैंसिल हो गया। इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में लिखोगे तो ये 1 बाई 2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है, ये वाला एंगल, और ये आर क्या है, ये इसका रेडियस है। ये बात कंफर्म हो गई। तो आप किसी भी सेक्टर का एंगल जब निकालते हो तो यही तरीका है, और चाहे कैसा भी अगर आप बाहर वाले का निकालोगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा कर लोगे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो यही चीज़ मैं वहाँ पे अप्लाई करूंगा। अब आते हैं अपने प्रीवियस वाले चीज़ों पे। अगर मैंने एक का निकाला, मान लो इसका अगर एंगल निकालोगे, थीटा तो बहुत छोटा है, इसका अगर एरिया पर्टिकुलर इसका एरिया निकालोगे तो 1 बाई 2 आर, और थीटा बहुत छोटा है तो थीटा की जगह पे डी थीटा लिखोगे, है कि नहीं। थीटा की जगह पे आप डी थीटा लिखेंगे, या फिर इसको आर की जगह, अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बाई 2 आर थीटा, डी थीटा निगलेक्ट करने की जगह करोगे तो ऐसे करोगे। इसको आप चाहें तो थीटा गायब करके भी लिख सकते हैं, आर के साथ थीटा आ जाने से कोई वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो छोटे वाले पार्ट के लिए मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। अगर ये पूरा इस वाले सेक्टर के, हमने इसको पाई पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको हमने पाई पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, मैं आपको कुछ ही पार्ट दिखा रहा हूँ, इसको मैंने पाई पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइडेड इंटू पाई पार्ट्स, सेक्टर्स हैं इसके पाई सेक्टर्स में डिवाइड किया है ना, इसको डिवाइड किया है। अब इसको हमें पूरे का, अगर हमें यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक पूरे का अगर हमें चाहिए, क्या कहते हैं, एरिया चाहिए, तो क्या करोगे आप, क्योंकि हमें नीचे वाले का तो एरिया चाहिए, इस वाले का तो एरिया चाहिए नहीं, इस वाले का एरिया आपको नहीं चाहिए, तो आप कहाँ से कहाँ तक लोगे, यहाँ से तो अल्फा है, तो अल्फा से स्टार्टिंग करोगे तो 0 है यहाँ से, तो अल्फा से स्टार्टिंग करोगे कहाँ तक जाओगे, बीटा तक जाओगे, ठीक। अब देखते हैं, और अगर हमें पूरे सेक्टर का एरिया चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, सम करना, एक पार्ट की वैल्यू निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है सम करना, मैं आपको शुरू से बताते जा रहा हूँ। अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो उसका एक्चुअल में सम निकल जाएगा। सम का मतलब जितने छोटे छोटे पीसेस थे ऐसे सबके एरिया इक्वल है, तो एक का पार्ट का वैल्यू निकाल लो आप, सेक्टर एरिया निकाल लो, सेक्टर एरिया जो भी आ जाए उसको इंटीग्रेट कर दो, उसके लिमिट के अंदर के इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, वो पोलर फॉर्म में उसका एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, इतनी चीज़ समझ में आ गई। जब इतनी चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं कैसे, देख लीजिए। अब हमें निकालना है पूरे सेक्टर का एरिया, तो कैसे करोगे, देखो, एरिया ऑफ ऑफ कर्व बाय पोलर, कैसे करोगे पोलर इक्वेशन, तो कैसे होगा, देखिए हमें मालूम है 1 बाई आर स्क्वायर डी थीटा तो एरिया सेक्टर का निकाला था, ठीक है, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना तो हमें लिमिट पता रहनी चाहिए, तो लिमिट हमने मान लिया अल्फा टू बीटा, जो कि इसमें क्वेश्चन में इसके पहले मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, है ना, अल्फा टू बीटा आ गया, जो कि हमें एरिया देगा, एरिया देगा, ठीक।
अब इसी को आपको सॉल्व करना है। इसको हम थोड़ा सा अगर फ्रॉम अल्फा टू बीटा इसको लिख लें, 1/2 चाहे तो आप बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इसको आर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा ले सकते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एरिया के जो के लिए फाइनल जो इक्वेशन बनेगा, फ्रॉम अल्फा टू बीटा 1/2 बाहर ले सकते हो और आर थीटा डी थीटा ऐसा कुछ। इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो ये एक्चुअल में इसका क्या आ गया, एरिया फाइंड आउट करने का किसी कर्व का तरीका है पोलर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी। किताब में आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इतना डिटेलिंग करके नहीं दिया गया है, तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ से सेक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें आपको अगर पता हो गई तो बिल्कुल आसानी के साथ कैसा भी क्वेश्चन आप एनालिसिस करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के बाद क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।